आपका सीटी को कितना है और कौन सा कोर्स है, वो टिप दोगे जो अभी अप्लाई कर रहे हैं सीटी के लिए? तो भाई यार वेलकम बैक हो गया सभी का एक बार फिर से वैनम व्लॉग्स में। तो हम आ रखे हैं अब हिंदू कॉलेज में जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी। तो भाई घुस गए हम कैसे, मतलब पहले भी हम ट्राई करते थे लेकिन एंट्री नहीं मिलती थी। तो आज हम मेन गेट से ना घुस के कहीं से सिफारिश लगा के पीछे वाले गेट से एंट्री हो गए, ठीक है। तो और अब जब हम बाहर जाएंगे ना तो जिन अंकल ने हमें मना किया है उनसे मज़े लेते हुए जाएंगे, दिखा के जाएंगे कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। बाकी अभी हम देते हैं टूर इस कॉलेज का। और बात रही CUET स्कोर की, तो वो तो ज़्यादातर मुझे पता ही है, तो मैं वो कमेंट्स में बता ही देता हूँ। और कॉलेज का टूर देने आए हैं तो कॉलेज का टूर देते हैं। और अभी मैं हूँ ग्राउंड में। तो ये है हिंदू कॉलेज का ग्राउंड और यहाँ पे हो रहा है शायद कोई फेस्ट टाइप का, मतलब नॉर्मल फेस्ट नहीं है ये, जैसे कॉलेज का फेस्ट होता है उस टाइप का फेस्ट नहीं है, ये डिपार्टमेंट का फेस्ट होता है अलग। तो वो है और बाकी यहाँ पे बास्केटबॉल का मैच भी आज, तो शायद वही हो रहा हो क्या। किरोरी मल कॉलेज में भी चल रहे हैं काफ़ी सारे फेस्ट और ये भी कुछ है। तो चलो देखते हैं, हम स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम हैं ग्राउंड में, ये देखो यह है हिंदू कॉलेज का ग्राउंड जो कि काफ़ी बड़ा है। और यहाँ कुछ हो रहा है शायद बास्केटबॉल का, तो हम जाके देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, उसके बाद देता हूँ मैं टूर। ये रहा जहाँ हम दिखा रहे थे टेंट टाइप का, और यहाँ पे देखो ये हमारा फेस्ट स्टार्ट होने वाला है, मतलब इनका जो भी हो रहा है। यहाँ बास्केटबॉल का मैच स्टार्ट होगा 4 बजे से, तो 4 बजे तक हम रुकेंगे, तब तक हम टूर टार दे के निकल जाएंगे यहाँ से। और हमारी मतलब किरोरी मल कॉलेज की टीम है बास्केटबॉल की, वो भी खेलेगी। और ये देखो अभी भी छाव छा रहे हैं भाई कुछ। भाई तुम अगर DU के कॉलेजों में आओगे या फिर किसी भी नॉर्मल कॉलेज में भी जाओगे तो ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा भाई। सब कुछ होता है कॉलेज के, कॉलेज लाइफ में जो ये NIOS वाले होते हैं ना, मतलब जो बाद में भी ओपन से करते, तो भाई कुछ नहीं जिया तुमने अगर तुम कॉलेज रेगुलर से ना करके ऐसे ठस्से में जो ओपन ओपन वाला होता है ना, तो ये कुछ नहीं होता। बस अगर तुम रियल लाइफ जीनी है ना भाई, क्योंकि एक ही मिली है, तो कॉलेज तो जाना ज़रूरी है। जैसे स्कूल लाइफ ज़रूरी होती है वैसे कॉलेज लाइफ भी ज़रूरी है। ये थस्से उससे कुछ नहीं होते भाई जो तुम ओपन से करो, और ये बस वो कहने की बात है कि सब बराबर ही होता है, ठीक है। ये होती है कॉलेज लाइफ, अलग ही होती है। और अभी हम निकल गए ग्राउंड में, फिर से आ गए, अब जाते हैं क्लासरूम के साइड में। तो क्लासरूम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। और ये कुछ ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जैसे किरोरी मल कॉलेज का दिखाया था ना, अंदर जिम वम होती है, और काफ़ी कॉलेजों में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जिम वम होती है। तो ये है, बाकी शायद बंद है या फिर उस साइड से गेट है, तो देखते हैं अगर एंट्री मिलेगी इसमें तो जाएंगे। बाकी क्लासरूम दिखाते हैं कैसी है। और ये इस साइड है क्लासरूम सारी, और ये साइड नेट है क्रिकेट का। चलते हैं अंदर देखते क्या हो रहा है। और इस साइड से क्लासेस स्टार्ट हो गई, मतलब यहाँ से भी हैं। और ये रहा हमारा 100 साल पुराना हिंदू का पेड़, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा लोग मानते हैं। और इसके पीछे मतलब इंडिया का नक्शा टाइप है, और हमें बॉल मिली है, अब हम कल से इसी बॉल से खेलेंगे। और यहाँ से स्टार्ट है क्लासरूम, देखते हैं अंदर जाके क्या सीन है। तो भाई हम हिंदू में आके खो गए हैं, देखो हमें पता नहीं चल रहा कौन सी चीज़ वहाँ पे, ये कुछ तो जगह है, पूछते हैं किसी से क्या सीन है। बाकी क्या यहाँ पे चलो ना घुस जाते हैं, तो एग्जिट ही है, ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, ये बड़े बड़े लोगों की फ़ोटो लगी है, ये लोग इतने बड़े हैं कि इनके बाल तोबा तोबा। चलो फिर ऊपर चलते हैं, तो ये क्लासेस है भाई। ये क्लासेस है हमारे मतलब हिंदू कॉलेज की, और सही है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है भाई हिंदू का, और साइज भी कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया है। ये मैम पढ़ा रही हैं और हम ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। हम 3rd फ्लोर पे हैं, ऐसे 1st फ्लोर पे तो खाली हॉल ही हॉल मिल रहे थे, तो हम वहाँ गए नहीं, गुम हो गए थे, अब ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए।
एक साइड की जो बिल्डिंग्स होती है वो हमने कवर कर ली और अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा। और अब ये कुछ लॉन टाइप है और इस साइड दोबारा से क्लासेस स्टार्ट है दूसरी, और ये कुछ लॉन है और फिर हम क्रॉस कर रहे हैं, अब जाएंगे दूसरी वाली जो साइड में बिल्डिंग्स हैं उनमें देखेंगे कैसी क्लासेस है, शायद सेव ही होंगे यार, इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है हिंदू का और काफ़ी बड़ा भी है। ये अंकल सो रहे हैं कड़ी मेहनत के बाद, इंशाल्लाह अंकल प्लेड वेल। चलो फिर मिलते हैं अंदर। सेकंड बिल्डिंग में एंटर हो गए भाई और यहाँ पे भी उतने ही फ्लोर है जितने वहाँ थे। और ये देखो क्लासेस चल रही है भाई, मैम पढ़ा रही हैं। मैं आजा करूं बात तेरी, मैं आजा चलूं साथ तेरे, तू आजा मुझसे बात तो कर, साथ तो चल ये ख्वाब मेरे। मैं आजा करूं बात तेरी, मैं आजा चलूं साथ तेरे, तू आजा मुझसे बात तो कर, साथ। अब हम एंटर हो चुके हैं क्लास में, एकदम लंबी है भाई, तुम देखो बेंच एकदम खतरनाक क्वालिटी की तरह। हमारे कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज क्या जाता है स्कूल में लिखा है नाम समझ, उसके जो टेबल होते हैं उनमें लिखा होता है फलाने का नंबर, फलाना लव्स ये उसका नंबर, ठीक है आप इंस्टाग्राम आईडी दे देते हैं। यहाँ पे एकदम साफ है, नीट एंड क्लीन है, और ये टीचर के लिए अलग से प्लेटफॉर्म आए, यहाँ पे टीचर पढ़ सकता है। देखो भाई चौक का डिब्बा पड़ा है बकायदा, दस्तर पड़े हैं इतने सारे, और सच बताऊं किलोरीमन कॉलेज में एक दस्तर होता है और चौक भी मॉनिटर जो होता है ना हमारा सीआर भाई लेके आता है, इतना कुछ नहीं होता। तो अभी मैं वीडियो बंद करूंगा और चौक लेके जाऊंगा यहाँ से, अपने सीआर को गिफ्ट करूंगा, ठीक है। और बस तो चल ये ख्वाब मेरे, बहुत देर सोचा वह स्टार्ट करूं कैसे, मुझे लोग मिले बहुत ना वो मिले तेरे जैसे, तेरी सूरत खूबसूरत मेरे लफ्ज बड़े कम, वैसे पास काफी शब पर वो सब बड़े फीके, निकला घर से तेरे साथ घूमा रातों में, बोला नहीं जाता मैं खो जाता तेरी बातों में, तू होती सामने तो दिखता मुझको कोई नहीं, दिल पर ये असर तेरा दो ही मुलाकातों में, तू बात करे छुरी चले दिल पे गिरे बम, देखूं जब भी तुझको होता विजन रेट कम, आजा पास मेरे बात करे साथ चले राहों में, वो मुझको देती लाइंस बाकियों को देती गम। तो भाई क्लास दिखा दी मैंने कैसी होती है हिंदू कॉलेज की क्लास, मतलब सही लग रही है, एसआरसीसी की भी बढ़िया थी, कंपेयर करे तो लगभग सेम ही लग रही है। और खालसा की क्लास में तो एसी था हर क्लास में, तो बात ही अलग है, लेजेंडरी। तो अभी हम जाते हैं डायरेक्ट क्लासेस देख ली, इससे ज़्यादा मतलब क्या ही देखोगे। और अब जाता हूँ डायरेक्ट कैंटीन में, कैंटीन दिखाते हैं और क्या क्या मेन्यू है वो देखेंगे। बाकी लॉन तो कैडी बातचीत आ रही भाई हिंदू में, तो मिलते हैं फिर डायरेक्ट कैंटीन में। तो भाई ये रहा कैंटीन, ये बैठने की जगह ऑडिटोरियम जैसी, और ये रहा मेन्यू भाई देख लेना पॉज करके। तो भाई हमने दे दिया है ऑर्डर सिंगापुरी चाउमीन का, अब आए हैं तो खा ही लेते हैं यार, भूख लगी थी, अपने कॉलेज से आए थे हम डायरेक्ट किलोरीमल कॉलेज से क्लासेस लेके। और आइए तब तक मैं सोच रहा हूँ तुम्हें नर्सरी दिखा दूँ फ्लावर्स की, ये रही हिंदू कॉलेज की नर्सरी टाइप है कुछ, थोड़े फ्लावर्स हैं गाइस। ये है रिजल्ट सिंगापुरी चाउमीन का, और इसको हम खा के बताएंगे भाई हमारे कैसा लग रहा है, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा अकेले में आया हूँ क्योंकि मुझे करनी है बुराई। भाई कैंटीन में गए थे, काफ़ी सारे ऑप्शन थे, रेट भी KFC जैसे ही थे थोड़े बहुत, लेकिन स्वाद की और क्वांटिटी की बात करें तो बहुत बेकार। भाई हमने आपको दिखाया ना कौन से वो येलो टाइप के हमने सिंगापुरी बनाए थे, तुम जानते होगे सिंगापुरी भाई कैसे होते हैं नॉर्मल अगर तुम कहीं पर भी रहते हो। यहाँ वाले सिर्फ नमक था उसमें और इतनी सी थी 60 रुपये की, 60 रुपीज़ की प्लेट थी जो हमने आपको दिखाई। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है चॉइस, खाना क्या पता और चीज़ अच्छी हो, ये नहीं कहूँगा ख़राब थी, लेकिन जो हमने खाया वो ख़राब थी भाई, वो मत खाना। और ये बस इतना ही कहूँगा, इतनी बुराई थी बाकी सब तो अच्छा ही है। और अब थोड़ा दिखाता हूँ, हॉस्टल बन रहा है यहाँ पे तो वो दिखाते हैं आज का मैच जो बास्केटबॉल का मैच होगा। और ये बनने वाला है कुछ ऐसा होसा हॉस्टल बॉयज का। इस जगह पे बनेगा भाई हॉस्टल, देखो और कैसा बनेगा वो तो देख लिया, ऐसा ऐसी भाई ऐसा ही बनेगा ये। अब चलते हैं, हम देखते कहाँ चलते हैं। तू भला तुझे लगे मेरी उम्र भी, लिखूं तुझ पे गजल मेरी लगे तुझे नजर नहीं, चांद जैसा चेहरा ऊपर से ये काला तिल, तू है हीरा काफी कीमती मैं करूं कैसे कदर नहीं। मैं आजा करूं बात तेरी, मैं आजा चलूं साथ तेरे, तू आजा मुझसे बात तो कर साथ तो चल ये ख्वाब मेरे। मैं आजा करूं बात तेरी, मैं आजा चलूं साथ तेरे, तू आजा मुझसे बात तो कर साथ तो चल ये ख्वाब मेरे। तो गाइस ये है ऑडिटोरियम और अंदर से है अभी लॉक है, मतलब लॉक दुनिया बंद है, पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, तो हम नहीं जाएंगे अंदर। बस देख लो यहाँ पे है, इस जगह पे मेन एंट्री के बाद ये मेन एंट्री है और यहाँ से पड़ता है हमारा ऑडिटोरियम। अरे लैंप वैम्प है कुछ, तो मैं आ रहा था ऐसे ही, तो मुझे देखी सबसे बेस्ट चीज़ जो कि किसी मेरे कॉलेज में भी है और हर कॉलेज में होनी चाहिए भाई, ये देखो भाई और ये थोड़ा अनुमान लगाया है कि पहले परिंदे बंदर थे, फिर ऐसे हुए, फिर धीरे धीरे करते अब हम आगे उड़ जाएंगे हमारे पंख आ जाएंगे। ठीक है, मेरी सबसे बेस्ट चीज़ तो यही लगी यार, ये देखो ये हम पहुंच गए एकदम जो फ्रंट होता है ना हिंदू कॉलेज का, जहाँ सब कुछ लिखा होता है ये वहाँ पे। और यहाँ पे हम मतलब अभी दिखेगा थंबनेल में, दिखे गया होगा तो मैं यहीं पे मैं थंबनेल भी लूँगा। और ये मेन, ये देखो एकदम सेंटर है हिंदू कॉलेज का, जहाँ से हिंदू कॉलेज जो कौन सा कॉलेज है वो दिखता है और ये फ्लैग है। तो यहाँ पे अभी हम लेते थंबनेल और निकल जाते क्योंकि यहाँ पे हो रही है शूटिंग, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें अलाउड नहीं था तो हम इतना ही करेंगे। बाकी काफ़ी बढ़िया यार ये लॉन टाइप का जो है, और इधर शूटिंग चल रही है कुछ कथकली की और ये फ्लावर वावर है। तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और हम जाएंगे, अब देखते हैं लाइब्रेरी जाते हैं और कुछ हो दिखाने लायक कॉलेज में, बाकी वरना सब कुछ नॉर्मल ही है यार, जो चीज़ें हमारी कॉलेज में वही कॉलेज यहाँ है, बस थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ गई है बाकी सब सेम है। ये गेट है, चलते हैं आप लाइब्रेरी भाई, और अंदर ही जमा करना पड़ेगा सब कुछ। तो हम यहाँ ना जाते हुए तो हम यहाँ पर नहीं जाते हैं और डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हमें लाइब्रेरी से कोई काम तो है नहीं। बाकी लाइब्रेरी सबसे बेस्ट KFC की, ठीक है सबसे बेस्ट KFC की लाइब्रेरी, उसके बाद SRCC की अगर यू आर फ्रॉम कॉलेज कॉमर्स, बस बाकी सब कोई नहीं, ठीक है उसके अलावा कोई नहीं भाई, सबसे बेस्ट है वो। अगर तुम नहीं मानते तो पढ़ के देख लो, आके देख लो भाई। बाकी ये फिर से एक और कुछ लॉन टाइप का, ठीक है वो नहीं है दूसरी चीज़, और ये दूसरी चीज और जहाँ पानी पी रहा है, लेकिन हम बोतल नहीं लाए। तो अब यहाँ का पानी देख के तो सही लग रहा है, बंदे पाइप से पी रहे हैं सही होगा। और फिर से हम ऑडिटोरियम पे आ गए, तो अब बाहर चलते हैं भाई।
आंखें बंद तेरी सूरत मेरी आंखों में, मीठी सी बोली जैसे शहद तेरी बातों में, तुझ में ये मेरा खोना अपनी मुलाकातों में, मिड इन द रोड बिन मौसम की इन बरसातों में, अपना वो मिलना वो भी मुश्किल इन हालातों में, तारों से बात करना खामोशी इन रातों में, अपने हालात सब निर्भर अपने ही हाथों में, क्यों देखे ये लकीरें जब जोड़े जुड़ते बरातों से। पूछेंगे सीयूटी स्कोर, तो आपका सीयूटी स्कोर कितना था? मेरा 450 था। और कौन सा कोर्स है? बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। अच्छा, तो पेपर मतलब जो सीयूटी का होता है वो फिजिक्स या फिर साइंस वालों के लिए कितने का होता है? 600 मार्क्स का होता है, तो 200 ईच फिजिक्स एंड मैथ्स। और मतलब वो जीटी तो कंपलसरी नहीं है ना? ना, जीटी कंपलसरी नहीं। ठीक है, थैंक यू। आपका सीयूटी स्कोर कितना था? मेरा सीयूटी स्कोर 455। और कौन सा कोर्स है? मेरा कोर्स है फिजिक्स ऑनर्स बीएससी। और आपका? भाई मेरा तो थोड़ी टिप्स दोगे जो अभी अप्लाई कर रहे हैं सीयूटी के लिए? भाई अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है, और मैथ्स का पेपर हमेशा लेंदी आता है, ट्राई करना पीछे से पेपर। भाई प्रीवियस ईयर पेपर लगा के चलना है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, जितने ज्यादा एमसीक्यू ट्राई कर सकते हो सारा फ्रस्ट्रेशन अंदर रख के। तो भाई हमें मिले हैं कुछ सीनियर हिंदू कॉलेज के, तो वो बताएंगे अब कैसा है कॉलेज और कॉलेज का थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। हेलो एवरीवन, तो हम हिंदू कॉलेज में हैं, और हिंदू कॉलेज में अगर आप आना चाहते हैं तो सबको पता है सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम होता है, और उससे आपको हिंदू कॉलेज मिलेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और कॉलेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपको कैंटीन वैंटीन सब अच्छे हैं, और यहाँ पे अलग बहुत बहुत डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। अगर आपको ड्रामा में जाना है तो यहाँ की फेमस सोसाइटी है इब्तिदा, जिसको इम्तियाज़ अली ने शुरू किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, नक्षत्र है फैशन सोसाइटी, अगर आप फैशन में आप इंटरेस्टेड हो फैशन सोसाइटी है, और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, आप अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। वेलकम हिंदू में, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। और कोई, जैसे कि आप सब जानते हैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, लेकिन हिंदू और बाकी कॉलेजेस के टूर करके हम लोगों ने इतना जाना है कि जो एटमॉस्फेयर हिंदू का है वो मुझे आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। लोग बोलते हैं स्टीफन्स बहुत अच्छा है, मैं जब वहाँ पे गया वहाँ का माहौल एकदम शुष्क था, मतलब कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, एक लग रहा था कि आपका एक स्कूल है, आप स्कूल में जा रहे हैं कॉलेज की क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन हिंदू में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक मोड़ पे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत वाइब्रेंट है, आपको अपने क्लासमेट से, अपने टीचर्स से, अपने साथ वालों से हर एक चीज़, हर एक पॉइंट पे सीखने को मिलता है। स्टीफन में तो इवेंट भी नहीं होता है, स्टीफन में इवेंट कभी देखे नहीं, हिंदू में आपको रोज इवेंट इवेंट होते मिलेंगे, खूब इंजॉय करोगे। और कोई, पढ़ाई और मजे दोनों करने हो तो हिंदू में आ जाओ। करते हैं ओवरव्यू कॉलेज की, तो जो कॉलेज है वो मस्त है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और क्राउड की बात करें तो अभी तो कम लग रहा है मेरे को, लेकिन हमें पता है हम काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे यहाँ पे अपने कॉलेज के बाद, तो हो ही जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और बात करें फूड की, तो मैंने बताया था कैसा है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी तुम्हें फूड के लिए, और स्पोर्ट्स में भी सही है, अब आए ही यहाँ पे इसलिए ताकि हम बास्केटबॉल देख पाएँ ऐसा अंकल को लगता है, लेकिन हम तो अपने ब्लॉग बनाने आए थे, तो बस। और बाकी कॉलेज मस्त है, और कंपेयर नहीं करेंगे किसी से, हम कभी कंपेयर नहीं करते, लेकिन राम जैसे बढ़िया। चलो, तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, और नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ कैंपस का, लगभग गर्ल्स को छोड़ के मैंने काफ़ी कॉलेज को कवर कर लिया, तो देखते हैं अगला कॉलेज कौन सा होगा। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, बाकी अभी अंकल जो है हमारे गार्ड अंकल, उनसे मज़े लिए बिना नहीं जाएंगे, तो देखते हैं उसके बाद, वो लास्ट ट्रिप होगी, उसके बाद मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। भाई ऑटो वाला, डिलीवरी वाला, सबको एंट्री मिल जाती है, बस हमें नहीं मिलती, तो देख रहे हो, अगर कोई हिंदू वाला देख रहा तो भाई बता देना अपने प्रिंसिपल को, ऐसा ना करे यार, दिल से बुरा लगता भाई, ऐसा मत करो मेरी सर। तो ये हम जा रहे हैं अब कैंटीन की तरफ, तो अंकल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया भाई, तो हम कामयाब रहे अंकल की जलाने में, अंकल फ़ोन ही देखे जा रहे कि क्या रिकॉर्ड कर रहा है। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, अंकल पहचान तो नहीं पाए लग रहा है। और ये है हमारा स्टीफन, देखते हैं अगर कभी घुस पाए तो, तारों के नीचे से। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, बाय।